वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग आप सभी के SSC क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर सिमिलरिटी का एक कह लो एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें आज आपको सिमिलरिटी चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आपसे पूछे जा सकते हैं उनका एक्सप्लेनेशन आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, देखो सिमिलरिटी में हमें समझना क्या है कि पहले आप तो समझ लो कि सिमिलर इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरा आपका इसमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स अगर आप इनके बारे में समझ गए तो इस चैप्टर से आप समझ लो 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपसे कम से कम पूछे ही जाते हैं। 6 to 8 मार्क्स फिक्स है, इस चैप्टर से आता ही आता है। और अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप कर जाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग पहले समझेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देखो, आपको अगर दो ट्रायंगल्स मैं बना के दे दूं, अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स की बात करें, एक हमारा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। ठीक है, यानी ऐसे दो ट्रायंगल्स जो देखने में एकदम एक जैसे हों, जैसे आपको दिख रहा होगा दोनों ट्रायंगल्स हमारे देखने में एकदम एक जैसे हैं, बस इनका साइज़ डिफर है, यानी कि एक छोटा है दूसरा क्या हमारा बड़ा बड़ा ट्रायंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल्स जो देखने में एकदम एक जैसे हैं उनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलैरिटी प्रूफ करने का 3-4 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आप मान लो हमारा ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR है, अगर दोनों ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल, यानी कि मान लो आपका एंगल A अगर एंगल P के इक्वल हो जाए एंड एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं बाई ए ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे किसी भी दो ट्रायंगल में हमारे दो एंगल हमको इक्वल मिल जाए तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। इस थ्योरम से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं तो पहला जो मेन काम आपका होता है वो होता है उसका नेम करना, क्योंकि अगर आप उसका नेम सही से लिखोगे, उसका नाम आप सही से लिख पाओगे, तो जो भी क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल से आपसे पूछे जाएंगे उनको आप 100% सही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारा क्या है कि हमारा दो ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसका जो एंगल A था किसके इक्वल था, एंगल P के। तो अगर हम लोग पहला ट्रायंगल ABC नोट करेंगे तो ABC सिमिलर हो किसके, ट्रायंगल। देखो करना क्या है आपको, अगर आपने नाम A से स्टार्ट किया है तो A के इक्वल एंगल कौन सा है, P, इसका नेम हम स्टार्ट करेंगे P से। देन B के इक्वल एंगल कौन सा है, Q है, तो अगर यहाँ B हमारा मिडिल में है तो यहाँ पे Q हमारा मिडिल में होगा, PQR। तो अगर आपने नेम सही कर लिया तो समझ लो आपके सिमिलरिटी में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है, यानी हमें क्या मिलेगा, तो AB अपॉन PQ का रेशियो BC अपॉन QR का रेशियो इक्वल होगा AC अपॉन PR का रेशियो। ठीक है, तो अगर हमारे ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा इक्वल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स में हमने सिमिलर प्रूफ किया था इसलिए इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये पहला तरीका है आपको याद रखना है। और करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे नोट डाउन करना है, तो AB मैंने लिया तो इसका मैंने PQ लिया, इसका देखो लास्ट मैंने दो दो नाम लिया BC तो इसका मैंने QR लिया, देन AC तो इसका मैंने PR लिया। इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स अगर सिमिलर दिए जाएँ तो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नोट डाउन करना है। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशियो AB अपॉन PQ का रेशियो, BC अपॉन QR का रेशियो, AC अपॉन PR का रेशियो इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे बाई साइड ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, देखो ज़्यादातर जो मेन यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है AA। ठीक है, बट अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं बाई साइड। अब अगर आपको बोला जाए कि मान लो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल PQR है और ये ट्रायंगल हमारा ABC है। और मैंने ये बोला कि PQ बाई AB का रेशियो इक्वल है
पी आर बाई ए सी का रेशियो और दोनों के बीच वाला एंगल, एंगल पी इक्वल एंगल ए के, एंगल पी इक्वल हो गया एंगल ए के, तो ट्रेंगल हमारे सिमिलर होंगे बाई साइड एंगल साइड, ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, और आपको याद रखना है ट्रेंगल अगर सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है ट्रेंगल सिमिलर प्रूफ करने का। अब इसी में एक अगला आता है एरिया वाला, कि मान लो आपको बोला जाए, जैसे यहीं पर हमें बोला गया कि ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर था ट्रेंगल ए बी सी के, तो हमसे पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, तो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर क्या होगा? पी क्यू बाई ए बी का होल स्क्वायर होगा, या फिर आप कह लो पी आर बाई ए सी का होल स्क्वायर होगा, या फिर आप कह लो क्यू आर बाई बी सी का होल स्क्वायर होगा, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आपके ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा, दोनों का एल्टीट्यूड का रेशियो आप निकाल लो उनके भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो अगर आपको इतना पता होगा तो आप सिमिलरिटी के सारे क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी में हमारा अगला आता है बीपीटी, थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे। मान लो आपको एक दिया जाए ट्रेंगल ए बी सी, और हमें बोला जाए ट्रेंगल ए बी सी है हमारा, और बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, मान लो डी ई हमारा लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, और ठीक है डी ई लाइन हमारा है बी सी के पैरेलल, ठीक है डी लाइन हमारा बी सी के पैरेलल है, तो बाई बी पी टी, बाई बी पी टी यानी कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी का रेशियो, यानी ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। साथ ही साथ इसको हम ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी का रेशियो, यानी हाफ एंड फुल, ठीक है हाफ एंड फुल। चाहे तुम इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, बी डी बाई ए बी का रेशियो इक्वल होगा आपका ई सी बाई ए सी का रेशियो। तो तीन तरीके से हम बी पी टी को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर तीनों में से कोई एक एक भी आपका रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे आपके होने वाले 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक आपका आता है मैप्स वाला, उसको आप खुद से पढ़ लेंगे, मैप्स एंड मैकिंग मैपिंग, ठीक है, जिसमें हमें कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में यानी कि मैप का लेंथ दिया होगा हमें, ओरिजिनल फिगर का लेंथ एंड वॉल्यूम हमसे पूछा जाता है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि सिमिलरिटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि इन द गिवन डायग्राम, देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सारे सारे आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन के पेपर के क्वेश्चन है, जो कि आपके पिछले 4-5 साल के स्पेसिमेन पेपर से लिया गया है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। देखिए आपका ये एम सी क्यू क्वेश्चन था, आपको दिया गया कि ए बी सी हमारा ट्रेंगल है और पी क्यू आर भी हमारा ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल कैसे हैं? तो आपस में सिमिलर हैं। हमसे पूछा गया ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो बताओ जब आपको ए डी और पी एस का रेशियो दिया गया है, ठीक है। ए डी और पी एस का रेशियो हमें दिया गया है, तो हमसे पूछा गया कि आप क्या बताओ ए बी और पी क्यू का रेशियो बताओ। देखो जब भी दो ट्रेंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग मीडियंस आपको याद रखना है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग मीडियंस कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स सभी आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, या सभी के सभी आपस में क्या होते हैं? उनका रेशियो सेम ही आता है। तो जैसे ए डी अपॉन पी एस का रेशियो अगर 3/8 दिया गया है तो ए बी और पी क्यू का रेशियो भी क्या होगा? 3/8, ऑप्शन सी हमारा सही है। सिंपल, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको देख लेना है कि करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो, करस्पॉन्डिंग मीडियन हो, करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग ऑर्थो सेंटर हो, सबका रेशियो जो होता है वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें हमें दिया गया इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी डी एफ इज अ रेक्टेंगल, बी डी एफ इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ए डी आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, एन सी ई आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, बी सी हमें क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर।
बीसी आपको दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर। आपको प्रूफ करना है कि ए डी एफ सिमिलर होगा एफ ई सी के। देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि जो ए डी एफ ट्रायंगल है हमारा ये सिमिलर होगा किसके, एफ ई सी के, एफ ई सी के सिमिलर होगा। तो आखिर हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कैसे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन ट्रायंगल ए डी एफ इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल एफ ई सी एंगल डी आपका एंगल ई की इक्वल है ईच 90 डिग्री। साथ ही साथ आपका जो एंगल ए होगा ये वाला एंगल आप इसके इक्वल कह सकते हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ आप लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ट्रायंगल ए डी एफ हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ ई सी के बाई एंगल ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। दूसरा हमें पूछा है कि ए डी एफ इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, हमसे पूछ दिया कि ए डी एफ आपका ए बी सी के सिमिलर होगा। तो देखो सेकेंड का मैं यहाँ पे करता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल डी आपका एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल ए डी एफ हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई अगेन ए ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, देन थर्ड आपसे पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई, फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई, एफ ई का हमें लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा हमें बोला गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई। अब लेंथ ऑफ एफ ई फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एफ ई का हमें लेंथ फाइंड करना है। हमने अभी इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके लेंथ ऑफ एफ ई हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी सी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। जब बी सी हमारा 12 है और ए 4 है तो ये कितना होगा, बी ई हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, और हमसे बोला गया कि रेक्टेंगल है तो डी एफ भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो डी एफ हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमने अभी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए थे, कौन कौन से, तो ए डी एफ एंड एफ ई सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन एफ ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो डी एफ अपॉन ई सी का रेशियो, और ये किसके इक्वल होगा, तो ए एफ अपॉन एफ सी का रेशियो, ए एफ अपॉन एफ सी का रेशियो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एफ ई और ए डी हमें दे रखा है 6, तो 6 बाई एफ ई, डी एफ हमें दे रखा है कितना 8 और ई सी हमें दिया है 4, आप सॉल्व कर लो, तो एफ ई आपका कितना आएगा, 2 टाइम्स एफ ई आपका 6 है, एफ ई आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या था, हमने हमसे एफ ई पूछा गया था, हमने एफ ई फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई ए बी सी का रेशियो। ठीक है, जब ट्रायंगल ए डी एफ हमारा ए बी सी के सिमिलर था तो ए डी अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल होगा किसके, डी एफ अपॉन बी सी का रेशियो इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन ए सी का रेशियो। तो अब मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रायंगल तो हमारे सिमिलर थे, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कह लो आप, या आप कह लो डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, तो किसी एक को हम यूज कर लेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें डी एफ और बी सी साइड पता है, हम इसी को यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एफ 8 दिया था, बी सी हमें 12 दिया था, जो कि होगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ गया, तो 4/9, आंसर हमारा आ गया 4:9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। देखो ऐसे सॉल्व हमें करना होता है क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर जाएंगे। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया है द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हमें ऑलरेडी बता दिया सिमिलर है बाई ऑक्सियम, हमें बताना है किस ऑक्सियम से सिमिलर है। ठीक है, देखो आप एक एंगल तो हमें मिल गया 90 90, एक एंगल हमें मिल गया 90 90, दूसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो ए बी बाई ई सी का रेशियो 1/6 आएगा, 4/24 1/6,
एंड बी सी बाई ई एफ का रेशियो भी क्या आएगा, 1/6 आएगा। यानी दो साइड हमारे क्या आपस में प्रोपोर्शनल हैं और बीच का एंगल इक्वल है, यानी कि साइड एंगल साइड से हमारा ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है बाई एस ए एस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ राइट एंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें दे रखा है ए डी अपॉन डी बी का रेशियो 4:5, ई एफ हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड ए इज टू ई सी, कि ए इज टू ई सी क्या होगा। ठीक है, दूसरा में बोला गया फाइंड डी ई, फाइंड डी ई एंड थर्ड बोला गया फाइंड बी सी, फाइंड डी ई एंड बोला गया देन फाइंड बी सी। ठीक है, देखो अब सिंपली आपको बोला गया है कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल है और बी सी एफ डी जे पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एफ जो हमारी लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू बी सी है। तो बाई बी पी टी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिलेगा कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ई सी का रेशियो। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि ए अपॉन ई सी भी क्या हो जाएगा, तो 4/5, तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा हमें बोला गया फाइंड डी ई। अब डी ई फाइंड करने के लिए हम क्या कर दें कि ट्रेंगल ए डी ई को हम लोग ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूफ कर लें। ठीक है, देखो हमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इन ट्रेंगल ए डी ई एंड ट्रेंगल ए बी सी, हमें क्या दिया गया है, तो एंगल ए हमारा दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉमन, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी कह सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यानी ट्रायंगल ए डी ई हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी, इससे हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हमें क्या मिल गया, ए डी बाई देखो इससे इसको अगर हम लोग सिमिलर यूज करते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। हम लोग किसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर ए डी ई एंड सी एफ ई को। देखो जैसे कि मैंने पहले दोनों बड़े ट्रेंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना चाहा, बट हमें बी सी साइड नहीं पता है। अगर हमें बी सी पता हो तो हम डी निकाल पाएंगे, बट बी सी नहीं पता है हम डी निकाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग ट्रेंगल ए डी ई लेते हैं, इन ट्रेंगल ए डी ई एंड ट्रेंगल सी ई एफ। देखो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपका जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रेंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाई ए ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी, हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया। तो हमें क्या मिलेगा कि ए ई अपॉन नेम, थोड़ा सही नहीं लिखा गया है, नेम सही करना पड़ेगा, देखो नाम भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सी एफ ई, ए ई अपॉन ई सी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा ई एफ अपॉन डी का रेशियो, डी ई अपॉन ई एफ का रेशियो, डी ई अपॉन ई एफ का रेशियो। देखो हमने अभी ए ई अपॉन ई सी हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था 4/5, 4/5 डी ई हमें नहीं पता है और ई एफ दे रखा है 15, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी ई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, देखो अगर डी ई 12 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है डी एफ कितना होगा, 27, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि हमें बोला है कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये आ गया हमारा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर ये, इसमें हमें दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ये हमारा पॉइंट ए बी पे है, सी ई इंटरसेक्ट, सी ई इंटरसेक्ट द डायगनल बी डी एट जी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ अ क्लाइन बी सी के पैरेलल है
और हमें बोला गया क्वेश्चन में कि ए इज टू ई बी 1:2 दिया है, कि ए इज टू ई बी आपको 1:2 दिया है, आपको फाइंड करना है ई एफ बाई ए डी का रेशियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड ई एफ बाई ए डी का रेशियो। तो सिंपल सा तरीका है, इन ट्रायंगल बी ई एफ एंड बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी आप एंगल बी कॉमन है। ठीक है, ये आपका कॉमन है एंड जो आपका एंगल कह लो एंगल ई है वो एंगल ए के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल बाई ए बी ई एफ इज सिमिलर ट्रायंगल बी ए डी बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा बी ई अपॉन ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो ई एफ अपॉन ए डी का रेशियो। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ट्रायंगल में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमारे इक्वल आते हैं, तो हमें मिल गया बी ई अपॉन ए बी का रेशियो ई एफ अपॉन ए डी के इक्वल होगा एंड इक्वल होगा किसके, बी एफ अपॉन बी डी के। ठीक है, देन अब हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए इज टू ई बी का रेशियो दे रखा है 1:2। हमें क्या दिया है, ए बाई ई डी हमारा 1:2 है। तो अब हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ ए बाई ई बी, तो अगर हम दोनों तरफ 1 को प्लस कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ई बी बाई ई बी किसके होगा 1:2, तो हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन ई बी का रेशियो 3:2 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ई बी बाई ए बी का रेशियो 2:3 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, हमसे पूछा गया था ई एफ बाई ए डी का रेशियो, तो ई एफ बाई ए डी का रेशियो भी क्या होगा 2:3। पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो मैंने आपको ही बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, तो किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं ई एफ बाई ए डी का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2:3 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 4:9। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कह लो 5 का सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन है आपका, और ये एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ई डी सी, ए बी इज पैरेलल टू ई डी, बी डी हमें दे रखा है 1:3, बी डी हमें क्या दे रखा है कि 1:3 बी सी है। एंड आपको बोला गया कि जो आपका ए बी है 12.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बी डी बाई बी डी हमें दे रखा है 1:3 बी सी, बी डी हमें क्या दे रखा है 1:3 बी सी, यानी हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 3 times BD। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या फाइंड कर लें, हमसे बोला गया फाइंड डी ई, तो पहले तो हम लोग ये पता कर लेना कि सी डी अपॉन बी सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, देखो अगर आपको सी डी फाइंड करना हो तो सी डी को हम लोग क्या लिख पाएंगे, बी सी माइनस बी डी। तो सी डी हमारा क्या होगा, बी सी माइनस बी डी की प्लेस पे हम नोट कर सकते हैं 1:3 बी सी। तो सी डी हमें क्या मिल गया, 3 BC - BC/3। तो हमें क्या मिल गया, सी डी 3 हमें मिल गया, 2:3 BC। यानी हम कह सकते हैं कि 3:2 हमारा होगा BC/CD का रेशियो। तो आपका आ गया BC/CD का रेशियो 2:3, या फिर आप कह लो कि CD/BC का रेशियो क्या हो गया, 2:3। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे बोला गया कि पहले तुम प्रूफ करो, तो देखो आप सिंपल सा तरीका, एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC
एंगल सी होगा दोनों में कॉमन, ठीक है। एंगल डी, एंगल बी आपका इक्वल होगा एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी बाई एस एस बाई सॉरी बाई ए ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपको पूछना, आपको फाइंड करना है फाइंड डी ई, फाइंड डी ई। तो सिंपल सी बात, जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका होगा बी सी अपॉन सी डी का रेशियो, और इक्वल होगा ए सी अपॉन ई सी का रेशियो, ठीक है। तो ए बी देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12.3, तो 12.3 बाई डी ई किसके इक्वल होगा, तो बी सी बाई सी डी जो कि है 3/2 के, तो डी ई हमें क्या मिल जाएगा, तो डी ई हमें मिल जाएगा 2 × 12.3/3 जो कि आपका होता है डी ई 8.2 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया हमको अभी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी पी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो किसी भी एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर यानी सी डी बाई बी सी का होल स्क्वायर जो कि होगा 2/3 का होल स्क्वायर जो कि होगा 4/9 4:9। तो ये आपके सिमिलैरिटी चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। बहुत जल्द आपको सिमिलैरिटी का पी वाई क्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।